नमस्कार, आज तक एआई में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। मैं आपको दुनिया भर की खबरों से रूबरू कराऊंगी। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। स्वीडन में रोलर कोस्टर दुर्घटना में एक की मौत, 9 घायल। ये हादसा रविवार को राजधानी स्टॉकहोम के एक अम्यूजमेंट पार्क में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पार्क का जेटलाइन रोलर कोस्टर एक राइड के दौरान पटरी से उतर गया, जिससे लोग जमीन पर गिर गए। पुलिस जांच की वजह से 140 साल पुराने इस पार्क को करीब एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अरबों डॉलर की सरकारी योजना के बारे में सोमवार को घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका में हर परिवार और छोटे कारोबारियों को इंटरनेट देने की इस योजना को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिल चुकी है। करीब 42.5 अरब अमेरिकी डॉलर की इस योजना के तहत हर राज्य को इंटरनेट सेवाओं के लिए धनराशि दी जाएगी। समंदर की गहराई में टाइटैनिक जहाज को सबमरीन में सवार होकर देखने गए सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का समूह इस घटना की जांच कर रहा है। यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, द फ्रेंच मरीन कैजुअल्टीज इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और यूके की मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के जांचकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। बगावत के बाद रूस के प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पुतिन के समर्थन में एकजुट होने का आग्रह किया है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन का कहना है कि देश ने अपनी स्थिरता के लिए चुनौती का सामना किया है और देश को राष्ट्रपति पुतिन के पीछे एकजुट रहना चाहिए। रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति का कहना है कि देश में स्थिति स्थिर है, जबकि मॉस्को में काउंटर टेररिज्म स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा। बराक ओबामा ने कहा था कि जो बाइडेन को पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। इस बयान पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओबामा के शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई थी, लोग ओबामा के आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे। पाकिस्तान की संसद ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 14.48 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। स्वीकृत किए गए पैकेज की शेष किस्त जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से शर्त रखने के बाद इसमें कुछ नए टैक्स जोड़े गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने 85 अरब रुपए का खर्च घटाने की आईएमएफ की मांग को भी मान लिया है।